वहीं सिविल सर्विस डे आज है। ओटीएस में सुबह से ही कई कार्यक्रम चल रहे हैं। कार्यक्रम में पहुंचे कई आईएएस आईपीएस अफसर, हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा भी इस दौरान यहां मौजूद हैं। जेडीए कमिश्नर रवि जैन ने संभाली है तैयारी की कमान। सिविल सर्विसेज डे होंगे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम इस दौरान, और सुबह से ही कई कार्यक्रम फिलहाल चल रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ओटीएस में सुबह से ही कई कार्यक्रम और कई आईएएस आईपीएस अफसर पहुंचे हैं। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा भी यहां मौजूद हैं। जेडी कमिश्नर रवि जैन ने तैयारी की कमान संभाल रखी है और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी शाम ढलते ढलते किए जाएंगे। तो सिविल सर्विसेज डे आज है और तमाम आईएएस आईपीएस अफसर कार्यक्रम में पहुंचे हैं। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा भी यहां मौजूद हैं। जेडीए कमिश्नर रवि जैन ने तैयारी की कमान संभाल रखी है और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी आगे भी होने हैं। तमाम दिग्गज यहां पर पहले से ही मौजूद हैं। नरेश शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। नरेश, अभी कई कार्यक्रम होने हैं, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, हालांकि सुबह से ही कई कार्यक्रम चल रहे हैं, फिलहाल किस तरीके की रूपरेखा तय की गई है, कौन कौन अभी यहां पर मौजूद है? पूनम, देखिए सिविल सर्विसेज डे है और वे अधिकारी जो लगातार जो है जनता की सेवा में लगे रहते हैं, आज उनका दिन है। और ये जो शाम है वो कुछ अलग है, क्योंकि अब कल्चरल कार्यक्रम शुरू हो रहा है यहाँ पे। और जो अब तक हम देखते हैं अधिकारियों को कि उनके सीरियस चेहरे रहते हैं, फाइलों में सारे दिन जो है वो झूम अटके रहते हैं, लेकिन यहाँ उनका चेहरे कुछ अलग अंदाज में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं लगातार कि कई अफसर पहुँचे हैं और गाने का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। जेडीसी रवि जैन की जो बात आपने की है, जिन्होंने तैयारी भी संभाली है, लेकिन साथ में उन्होंने गाना भी यहाँ पे गाया है। एक हसीना थी एक दीवाना था, गाने से शुरुआत हुई है। अभी आप देखिए धीरज श्रीवास्तव को हम दिखाते हैं, वो रात वो चांदनी फिर कहाँ, ये गाना गाते धीरज श्रीवास्तव को आप देख सकते हैं। राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर है वो यहाँ पे जो है वो यहाँ गीत सुना रहे हैं। अगर हम अफसरों को दिखाएं लगातार तो समित शर्मा यहाँ पे हैं, इसके अलावा अगर वह पवन अरोड़ा की आपने बात की, पवन अरोड़ा को हम तस्वीरों में दिखाते हैं आपको, वो यहाँ पहुँचे हैं। सुषमा अरोड़ा यहाँ पे हैं, इसके अलावा भी कई अफसर हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। सुधांश पंत है वो यहाँ पे आए हैं, अभी बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तमाम जो अफसर है वो यहाँ पे। और एक अलग जो नज़ारा है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ यही देखा था कि अफसर जो है जो कह सकते हैं मीटिंगों में व्यस्त रहते हैं, फाइल्स में व्यस्त रहते हैं, लेकिन आज हम उनका एक अंदाज जो नया अंदाज देखे। एक हसीना थी एक दीवाना था, इस गीत से शुरुआत की थी रवि जैन ने आज के कार्यक्रम से। सर, अमूमन हम देखते हैं अफसर जो है फाइलों में जूझते रहते हैं, फील्ड में जूझते रहते हैं, तनाव भरे चेहरे दिखते हैं, लेकिन आज जिस तरह से आपने शुरुआत की है, एक हसीना थी एक दीवाना था, एक अलग अंदाज, एक अलग तरीका। आज सर्विस डे, सबसे पहले तो आपको बधाई, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है आज? बहुत ही शानदार, बहुत ही ईजी और रिलैक्स्ड माहौल है, और दिन भर की दौड़ धूप के बाद में काम में व्यस्त रहते हैं, स्ट्रेस वगैरह रहता है, तो मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई व्यवहार नहीं हो सकता, इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। और मैं आपके माध्यम से सभी को सिविल सर्विसेज डे की बधाई देता हूँ। हम सब यहाँ प्रशासनिक अधिकारी आज यहाँ जुटे हैं, बहुत अच्छी कल्चरल इवनिंग हो, खुशियों भरी हो, एंजॉयमेंट हो, मज़ेदार गाने सुनाए जाएंगे। और मैं माननीय CM साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आने की सहमति दी है, वो पधारेंगे अभी तो माहौल और बढ़िया हो जाएगा। मौका मिल पाता है कभी इस एकदम कहते हैं काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है आप लोगों का, कभी मौका मिल पाता है ऐसा कि कुछ समय ऐसा निकाले? आज हमने अभी आपका गाना सुना मधुर आवाज़ में, तो ऐसा कभी मौका रूटीन में मिल पाता आप लोगों को? बिल्कुल, समय तो निकालने से निकल ही जाता है, और अपने शौक के लिए, अपनी हॉबी के लिए हमेशा समय निकालना चाहिए। और मैं डेफिनेटली ट्राई करता हूँ जब भी मौका मिलता है, गाने, संगीत, कुछ टेनिस वगैरह खेलने का है, तो ये मैं थोड़ा बहुत समय इसके लिए निकालता हूँ, और उससे भी ये एक तरह से स्ट्रेस बस्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। देखा रवि जैन क्रिकेट के भी अच्छे खिलाड़ी है, और आज हमने यहाँ भी देखा, और अब देखिए आप तस्वीरें फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ फिर जो गाने हैं वो सुनाए जा रहे हैं अपने साथियों को, ये सीनियर अफसर। और इसके अलावा और तस्वीरें जो है वो भी हम आपको दिखाते, तमाम अफसरों की जो यहाँ पे पहुँचे हैं, तमाम अफसर है वो यहाँ पहुँचे हैं।
पवन अरोड़ा है, हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर, वो यहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने मुलाकात की है। सर, सबसे पहले तो आपको सिविल सर्विसेज डे की बधाई। और एक अलग जो आज नज़ारा हम देख रहे हैं, अक्सर देखते हैं अफसर फील्ड में रहते हैं, फाइल्स में रहते हैं, मीटिंग्स में रहते हैं, लेकिन आज अलग अंदाज कैसा लग रहा है सर? बहुत ही बढ़िया है, और मैं इसका सारा श्रेय जो है हमारी नई मुख्य सचिव महोदया को देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत इनिशिएटिव लिया, उन्होंने कहा दिल्ली में यूपी में बहुत अच्छे से मनाते हैं, तो इस बार हमको राजस्थान में भी बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। तो दिन भर तो बहुत अच्छे सेशंस थे ही, ओपनिंग सेशन में गवर्नर साहब आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी, बहुत अच्छा मार्गदर्शन, और मार्गदर्शन क्या यूँ कहिए कि बहुत अच्छा मोटिवेट किया सारे ऑफिसर्स को। और अब थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, और ये सोचा गया कि जो कल्चरल प्रोग्राम है, जो सांस्कृतिक संध्या है, उसमें बाहर के किसी बैंड को नहीं बुला करके हमारे बीच ही अधिकारियों के बीच जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं जिनको सामने आने का मौका कम मिल पाता है, उन्हीं से रिक्वेस्ट किया जाए कि वो ही यहाँ पे अपने कल्चरल प्रोग्राम पेश करें। तो कुछ लोग गाना गाएंगे, कुछ लोग कोई गज़ल या कविता सुनाएंगे, कुछ लोग कोई और प्रस्तुति देंगे, तो इस तरह का रंगारंग माहौल है। और सभी लोगों को विद फैमिली इन्वाइट किया गया है, और डिनर का भी काफ़ी अच्छा इंतजाम किया गया है। तो सब लोग एक यो कह सकते हैं कि पहली बार सिविल सर्विसेज डे को उत्सव की तरह मना रहे हैं। उत्सव का जो आगाज हमने देखा सर, सुमधुर यहाँ गीत बजाए जा रहे हैं, आपके मुख से भी कुछ यहाँ सुनाई देगा सर? मैं गाना नहीं गाता, लेकिन जो एग्जीबिशन लगी है उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। वाइल्ड लाइफ के फोटोग्राफ्स मेरे भी डिस्प्ले हुए हैं, तो मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक है, तो वो एग्जीबिशन में मैंने पार्टिसिपेट किया है, सिंगिंग नहीं। तो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन हौसला अफजाई के लिए, अपने मित्रों से मिलने के लिए, साथी जो कार्मिक है उनसे मिलने के लिए, आप देख सकते हैं वो यहाँ पे आए हैं, और भी हम बात करते हैं। सर, कैसा लग रहा है आज का ये दिन है? आपने भी कुछ तैयारी की, आप भी कुछ सुनाएं। देखिए, आज सिविल सर्विस डे है, तो इस अवसर पर हम क्या फील करते हैं, हमारी खुद से क्या अपेक्षा है, जनता हमसे क्या अपेक्षा करती है, सरकार क्या हमसे अपेक्षा करती है, उसके लिए कुछ शब्द मैंने लिखे हैं। लोक सेवा का दिन, लोक सेवा का दिन हरदम सेवक मनाएं, लोक सेवा के पद पर हम अपना फर्ज निभाएं, सेवा करके लोक की सेवक हम कहलाएं, लोक सेवा का दिन हरदम हम मनाएं। जनसेवा की खातिर हम पहल नहीं करें, लोक सेवा के क्षेत्र में तरीके नए अपनाएं, सेवा करके लोक की सेवक हम कहलाएं, लोक सेवा के वास्ते अच्छा वेतन मिलता है, लोक सेवा के वास्ते अच्छा वेतन मिलता है, अनुचित लाभ के वास्ते ना नियत डगमगाएं, सेवा करके लोक की हम सेवक हम कहलाएं, अपनी रेखा बड़ी करें, स्पर्धा सदा स्वस्थ हो, कमी ना कोई रहे, उत्कृष्ट हम कहाएं, सेवा करके लोक की सेवक हम कहलाएं, सेवा के पद पर हम अपना फर्ज निभाएं। सभी को नागरिक सेवा दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सेवक बन के अपना फर्ज निभाए, ये कविता के माध्यम से कहा है। एक बार फिर जो तस्वीरें हैं वो एक बार हम दिखाते हैं, ताकि वो चेहरे भी तमाम जो दर्शक है वो देख सके कि अब तक आपने इन लोगों को मीटिंगों में देखा होगा, इनको अभी तक आपने अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए फील्ड में देखा होगा, फाइल्स में जूझते हुए देखा होगा, लेकिन आज ये अलग रंग में है, आज ये अलग ढंग में है, आज यहाँ पे आए हैं सिविल सर्विस डे को मनाने, एक दूसरे को बधाई देने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए। मुलाकात का दौर यहाँ पे लगातार चल रहा है। कुंजलाल मीणा वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई सर सिविल सर्विस डे की, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे ऑल इंडिया सर्विस के लोगों के लिए या सिविल सर्वेंट के लिए ये ऐसा ऐतिहासिक दिन है जो हर साल मनाया जाता है, और बहुत पहली बार माननीय मुख्य सचिव महोदया, क्योंकि भारत सरकार में भी आपके नेतृत्व में ये डे आयोजित हुआ था मैडम के में, जब मैडम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में थी, तो यहाँ भी उन्होंने पिछली कई सालों से पहली बार बहुत अच्छा मनाया है इसको। पहली बार ये डे मनाया जा रहा है, और हम देख रहे हैं कि अफसरों को जिनके चेहरे पे तनाव देखते थे, आज खुशियाँ नजर आ रही है सर। खुशियाँ तो हमेशा ही रहती है दोस्त। मैं सिविल सर्विस डे पे सबको शुभकामनाएं देता हूँ, हमारे साथी अधिकारीगण सबको, जो मुख्य सचिव जी ने इनिशिएटिव लिया, पहले भी मनता था लेकिन इस बार काफ़ी अच्छे, सीएम साहब भी बता रहेंगे, सुबह गवर्नर साहब आए थे, चोपड़ा जी आए थे, तो बहुत सोच एक प्रेरणा मिलती है अच्छा काम करने की, और कुछ हमारे अधिकारियों को प्रधानमंत्री जी ने नवाजा आज सुबह, तो वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और ये सिविल सर्विस डे की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं उन्होंने दी है।
तस्वीरें जो है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। धीरज श्रीवास्तव है वो यहाँ पे आए हैं और इन्होंने आगाज किया है बहुत शानदार गीत सुना के। सब मंच पे सुन रहे थे अभी आपने कार्यक्रम के आगाज के आपने किया, ये अलग रंग धीरज श्रीवास्तव का क्या आज इस डे पे दिखाई दे रहा है? ये रंग तो अलग अलग होने ही चाहिए, जिंदगी ऐसी है जिसमें कई रंग होने चाहिए और ये सब मौके ऐसे होते हैं, ये लम्हे ऐसे होते हैं जिस समय आदमी अपने को अनवाइंड करता है, तो तमाम जो स्ट्रेसेस हैं स्ट्रेन्स हैं उनसे बाहर निकल करके एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है, बिल्कुल तो बड़ा मज़ा आ रहा है, लगातार हम बात कर रहे हैं। मैम कैसा लग रहा है आज का सेलिब्रेशन? बहुत खूबसूरत, बेहद खूबसूरत शाम है और दिन भर का जो कार्यक्रम रहा उसको ईज आउट करने के लिए बहुत ही सहज है और इससे सब आपस में एक दूसरे की डिफरेंट सर्विसेज की वो बंधन भूल के सब एकदम म्यूजिक की शाम में रिलैक्स हो। खूबसूरत शाम है, इसको यादगार बनाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है और लगातार जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने भी यहाँ पे प्रस्तुति दी है, जिन्होंने जो गीत है यहाँ पर सुनाए एक बार फिर दिखाते हैं। आईपीएस अफसर लगातार आप देख सकते हैं कि एक अलग ढंग, समित शर्मा जो है वो हमारे साथ मौजूद है। समित जी आप ही गुनगुना रहे हैं, अब तक लगता है कि फील्ड में काम करते थे, अफसरों से काम करते थे, अब तक जो यही लगता था मीटिंगों में व्यस्त होते थे, फाइलों में जूझते रहते थे, आज एक अलग अंदाज है। देखिए आज लोक सेवा दिवस है और बहुत महत्वपूर्ण दिन है और सारी सर्विसेज जब मिलके काम करेंगी तभी बहुत अच्छा डेवलपमेंट, बहुत अच्छी प्रोग्रेस आ सकती है। तो उसी हिसाब से आईएएस आईपीएस आईएफएस राजस्थान अकाउंट राजस्थान सेवा जो है उन सभी के अधिकारी आए हैं और अच्छे माहौल में आपस में मिल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं जिससे गुड गवर्नेंस दे पाए। तो एक अच्छा माहौल यहाँ होना चाहिए, वो तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं। एक बार गीत भी सुना देते हैं, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, ये गीत जो है वो यहाँ पे सुनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं अब तक वर्दी में दिखाई देते थे वर्दी वाले अफसर है, आज अलग अंदाज में गीत संगीत के माहौल में नजर आ रहे हैं और नजर आ रही है और एक हिडन टैलेंट भी इन अधिकारियों का देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। वक्त